हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पिंक स्किन मेकअप रूटीन। आपको पता ही होगा मेकअप तभी अच्छा दिखता है जब आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छा हो, तो इसलिए मेकअप के पहले स्किन को प्रेप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ द पिंक फाउंड्री डेली मॉइस्चराइजर विद ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। पैकेजिंग आप देख लो, बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। यहाँ पे प्रेस करते हो तो प्रोडक्ट निकलता है, जिससे प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होता है और हाइजीन भी मेंटेन होता है। फोन स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, टेलीविजन स्क्रीन, ये सब कुछ से निकलता है ब्लू लाइट, और ये ब्लू लाइट स्किन को बहुत हद तक खराब करता है। रेगुलर मॉइस्चराइजर से आपके स्किन प्रोटेक्टेड नहीं रहता है। आपको चाहिए मॉइस्चराइजर विद ब्लू लाइट फिल्टर टू प्रोटेक्ट योर स्किन। इसमें बायोएक्टिव कॉम्प्लेक्स ऑफ थ्री प्लम्स एंड मैंडरिन ऑरेंज पील, जो आपके स्किन को ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट करता है। इसमें आपको मिलेगा टोटल 30 ml प्रोडक्ट। सो आफ्टर क्लींजिंग एंड टोनिंग आपको थोड़ा सा अमाउंट में लेना है और हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में फेस एंड नेक पे मैसेज करना है। आप देख सकते हो ये कितने जल्दी मेरे स्किन में इंस्टेंट हाइड्रेशन प्रोवाइड किया है। अब घर पे रहो या फिर बाहर रहो, सनस्क्रीन का यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ द पिंक फाउंड्री मैट मॉइस्चराइजिंग मिनरल सनस्क्रीन। ये 100% फिजिकल सनस्क्रीन जिसमें है नेचुरल मिनरल, जो आपके स्किन को प्रोवाइड करता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवीए एंड यूवीबी रेज। और उसके साथ ही साथ इसमें है PA++ SPF 30, विच इज अमेजिंग। टेक्सचर आप देख लो, बहुत ही ज्यादा नॉन ग्रीसी है और ये आपको देता है मैट फिनिश इफेक्ट। इस तरह से थोड़ा सा अमाउंट में आपको लेना है और हल्के हाथों से मैसेज करना है। इसमें टिंटेड फॉर्मूला जो आपको प्रोवाइड करता है शीयर एंड नेचुरल लुकिंग कवरेज। और आप देख सकते हो ये सनस्क्रीन कितने अच्छे से मेरे स्किन में मेल्ट हो गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी चीजों का लिंक डाल दिया है, प्लीज एक बार चेक कर लेना। तो चलिए स्किन प्रिपरेशन इज डन, मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसे कि आपने देखा स्किन प्रिपरेशन इज डन। नाउ आई एम यूजिंग फाउंडेशन एंड बहुत ही अच्छे से मैं ब्रश की मदद से फाउंडेशन को अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट है कॉन्सिलर। कॉन्सिलर को मैं अंडर आईज, नोज एंड फोरहेड पे थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ, और आईज पे जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छे से ब्रश की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद में आईब्राउ को थोड़ा सा ब्रश कर लिया है। फेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर। आईज के लिए सबसे पहले मैं लूंगी ये ब्लैक शेड एंड ब्रश की मदद से विंग आई क्रिएट करूंगी। नेक्स्ट एक ब्राउन शेड लेके एक स्मजिंग ब्रश के मदद से मैं इस आईलाइनर के ऊपर थोड़ा सा स्मज कर रही हूँ, ताकि कोई भी हार्श इफेक्ट ना रहे, और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और नेक्स्ट मैं अंडर वाटर लाइन में मैं यूज करूंगी ये काजल। और अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ एक स्मजिंग ब्रश की मदद से। और गाइस, ये है फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी चीजों का लिंक ऑलरेडी डाल दिया है, प्लीज एक बार चेक कर लेना। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे और वीडियोस को देखने के लिए आप पर क्लिक करें।